हाय फ्रेंड्स, वन कॉर्नर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर। लगभग सभी लोग गांधी जी के जीवन से जुड़ी कई बातें जानते हैं, लेकिन उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी हैं जो शायद ही आप जानते हैं। तो चलिए जानते हैं गांधी जी से जुड़ी कुछ अनसुनी और खास बातें। पहली बात, बचपन से काफी शर्मीले थे गांधी जी। 10 साल की उम्र में गांधी जी ने कई स्कूल बदले। इसके अलावा वो कई बार स्कूल से भाग जाया करते थे। जैसे कि सभी जानते हैं कि उनकी माता पुतली बाई एक हिंदू धार्मिक महिला थी, जबकि पिता कर्मचंद गांधी पेशे से दीवान थे। आपको बता दें कि उन्हें महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। 13 साल की उम्र में की थी कस्तूरबा जी से शादी। जी हाँ, दूसरी अहम बात यह है कि गांधी जी को किसी से प्यार हो गया था, लेकिन खबर फैल जाने के कारण गांधी जी ने अपने पैर वापस खींच लिए। यही कारण है कि 13 साल की उम्र में गांधी जी की शादी उनसे एक साल बड़ी कस्तूरबा गांधी जी के साथ हुई। वहीं शादी से संबंधित प्रथाओं को पूरा करने में उन्हें एक साल लग गया, जिस दौरान वह स्कूल भी नहीं जा पाए थे। तीसरी अहम बात, क्यों चुना अहिंसा का रास्ता। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान 1899 के एंग्लो बोयर युद्ध में स्वास्थ्य कर्मी के तौर पर मदद की थी। उन्होंने उस युद्ध के दौरान देखा था कि किस तरह से युद्ध का कभी किसी का भला नहीं हुआ है, युद्ध से सिर्फ और सिर्फ खून बहा है। इसीलिए उन्होंने उस युद्ध को देखने के बाद ये निर्णय कर लिया था कि वो हमेशा जिंदगी भर अहिंसा के रास्ते ही चलेंगे, और उन्होंने इस बात को गांठ बांध ली थी। चौथी अहम बात कि गांधी जी के नाम पर बनी कई सड़कें। गांधी जी ने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया था। कई कोने ऐसे हैं जहां से उनकी यादें जुड़ी हैं। आपको बता दें कि गांधी जी के नाम से भारत में 53 मुख्य मार्ग हैं, जबकि विदेशों में 48 सड़कें हैं। जी हाँ, देश विदेश में भी गांधी जी के नाम पर कई मार्ग और सड़कें आज भी आपको देखने को मिलेगी। पांचवी अहम बात यह है कि विदेशों के लिए भी गांधी जी ने किया था कई काम। दोस्तों, गांधी जी को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी सम्मान दिया जाता है। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि दुनिया के महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा था कि कुछ सालों बाद लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि महात्मा गांधी जैसे शख्स दुनिया में थे। बता दें कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के डर्बन, प्रिटोरिया और जोहान्सबर्ग इलाके में 3 फुटबॉल क्लब स्थापित करने में मदद की थी। छठी अहम बात ये है कि नोबल शांति पुरस्कार के लिए 5 बार हुए थे नॉमिनेट। आपको बता दें दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपति की उपाधि दी थी। गांधी जी को 5 बार नोबल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, हालांकि उन्हें यह पुरस्कार कभी नहीं मिला। इतना ही नहीं, जबकि गांधी जी को सम्मान देने के लिए एप्पल के जो संस्थापक थे स्टीव जॉब्स, वो गोल चश्मा पहना करते थे। सातवीं अहम बात ये है कि गांधी जी रोज 10 किलोमीटर पैदल चला करते थे। इंग्लैंड में जब वो वकालत की स्टडी कर रहे थे, उसी दौरान गांधी जी को रोजाना 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। वो हर रोज 18 किलोमीटर पैदल चलते थे। यही कारण था कि गांधी जी की जो चलने की जो रफ्तार थी वो बहुत तेज थी। वो रोज 18 किलोमीटर पैदल चला करते थे। आठवीं अहम बात जो है वो ये है कि मृत्यु के बाद निकाली गई थी सबसे लंबी यात्रा। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी के निधन के बाद उनकी शव यात्रा 8 किलोमीटर तक निकाली गई थी,
जो कि अब तक की सबसे लंबी शव यात्रा रही है। अपने पूरे जीवन में गांधी जी ने कभी कोई राजनीति पद नहीं लिया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कोई भी राजनीतिक औहदा नहीं हासिल किया। उन्हें कोई राजनीतिक पद चाहिए ही नहीं था। इतना ही नहीं, जिस अंग्रेजी सरकार के खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन किया, उसी सरकार ने उनके सम्मान में स्टैंप यानी डाक टिकट जारी किया था। सातवीं अहम बात जो है वो ये है कि चलती गाड़ी से फेंक दिए थे जूते। जी हाँ दोस्तों, एक बार चलती गाड़ी से गांधी जी का जूता नीचे गिर गया, तो उन्होंने दूसरा जूता भी गाड़ी से नीचे फेंक दिया था। जब लोगों ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा था कि एक जूता मेरे और उसके किस काम का, इसीलिए अब कम से कम यह उसके काम तो आएगा, यानी एक जूता मेरे किस काम का रहेगा, अब जो दोनों ही जूते जिसे मिलेंगे वो उसके काम तो आ जाएंगे। आठवीं बात, गांधी जी समय के बहुत पाबंद थे। जी हाँ, गांधी जी समय के इतने पाबंद थे कि अपनी मृत्यु से पहले भी वह इसी बात को लेके परेशान थे कि वो 10 मिनट लेट पहुंचे हैं अपनी सभा में। उनकी हत्या से पहले वो इस बात को लेके परेशान थे कि वो सभा में 10 मिनट की देरी में पहुंचे हैं। नवी अहम बात वो ये थी कि गांधी जी ने खुद लिखी थी अपनी आत्मकथा, और वो भी गुजराती में। दसवीं अहम बात, आज भी उनसे जुड़ी हुई चीजें म्यूजियम में रखी गई हैं। आपको बता दें कि गांधी जी नकली दांत लगाते थे, जिसे वह अपने कपड़े में रखते थे। उनके कपड़ों सहित उनकी कई वस्तुएं आज भी मदुरई के म्यूजियम में सुरक्षित हैं। दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें थी जो गांधी जी से जुड़ी अनसुनी थी। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता रहा है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया। वो बलिदान जो हमें सिखाता है सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते रहना। उनकी सिखाई हुई बातों को हमें अमल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में अगर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलिए। युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। ये बात हमारी निजी जिंदगी को भी खूबसूरत तरीके से लागू करता है, यानी जिंदगी में सफलता पानी है तो अपने ऊपर विश्वास रखिए, सत्य की राह चलिए और शांति प्रिय से ही कोई ना कोई हल निकालिए।